देखिए एक बार फिर से झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है और आज प्रदीप यादव सहित 12 के ठिकानों पर ईडी सुबह 6 बजे से ही छापेमारी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं डोरंडा स्थित प्रदीप यादव के विधायक आवास पर। पौड़ियाहाट से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, कांग्रेस के विधायक है प्रदीप यादव, और इनके आवास पर यहाँ पर चल रही है अभी ईडी की रेड। इसके अलावा इनसे संबंधित कुल 12 लोग हैं जिनके आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है आज अपनी, और सभी कहीं ना कहीं प्रदीप यादव के संबंधी बताए जा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कारोबार में शामिल है और कहीं ना कहीं उनके काफ़ी करीबी है, इसलिए ईडी उनके आवास सहित अन्य 12 के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। रांची में 4 ठिकाने हैं, इसके अलावा अन्य पूरे झारखंड भर में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, और कहीं ना कहीं ये छापेमारी जो है वो नवंबर 4, 2022 को हुए आईटी की रेड के आधार पर है। आईटी ने प्रदीप यादव के आवास पर 2022 4 नवंबर को छापेमारी की थी और उस रेड में जो कुछ भी बातें सामने आई है उसी के आधार पर एक बार फिर से ईडी अपनी दबिश यहाँ पर पकड़ अपनी बनाए हुए है। और ये आप देख सकते हैं प्रदीप यादव का सरकारी आवास, विधायक आवास है डोरंडा में, बन्ना गुप्ता के आवास के ठीक सामने में है ये आवास, और इसी आवास पर सुबह 6 बजे से ही ईडी के अधिकारी तैनात है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है जो कि निगरानी में यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको अंदर एक ईडी के अधिकारी की गाड़ी दिखेगी, इसी गाड़ी में अधिकारी आए थे और अंदर छापेमारी चल रही है। हालांकि उतनी सुगबुगाहट नहीं है कि छापेमारी किस आधार पर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईटी रेड हुई थी उसी के आधार पर एक बार फिर से ईडी जो है वो प्रदीप यादव के ऊपर अपनी नकेल कसना चाह रही है। और ईडी जिस तरह से पूरे झारखंड भर में छापेमारी कर रही है तो ईडी अभी ईडी का शिकंजा और दायरा जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। 2 आईएएस अधिकारी ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं, दोनों ही जेल में हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि आज के रेड के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार इस रेड में क्या कुछ बातें खुलकर सामने आई, और ज़मीन घोटाला और अवैध खनन के बाद अब ईडी किस मामले में अपनी नकेल कसती है। तो फिलहाल इसके साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।